तो हम मैकेन आलू टिक्की के साथ बनाने वाले हैं बर्गर। तो ये है रेडी टू ईट बर्गर की टिक्की। टिक्की बर्गर नहीं। तो देखते हैं अभी ये कितने रुपए का, वो तो बताओ पहले। ये हल्दीराम का हमने 10 रुपए के 2 बन लाए, 5 और 5। ये रेडी टू ईट मतलब फ्रोजन वाला है। इतने से किसको किसको आएंगे? इतने बड़ी है कितने लेकिन? अच्छा 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 20-25 रुपए में आपका एक बर्गर बन जा रहा है। वो तो अभी ऑयल को लगभग गर्म होने देते फिर इस टिक्की को फ्राई करेंगे। ओके ये देखो यहाँ पे पूरी प्रोसेस लिखी है। ऑयल में भी कर सकते हैं या फिर इसको अपन ऐसा पैन पे ऑयल लेके इसको ये भी कर सकते। हाँ सेक भी सकते हैं। दिख रहा है नहीं पूरा बर्फ जम गया ना इसके ऊपर। आलू टिक्की है ये तो इसको कर रहा है थोड़ा। ओ तो फ्रोजन वाले जब फ्राई करते थोड़ा संभाल के बिकॉज इसमें बर्फ होती है तो पानी की छींटे उड़ सकती है ऑयल की। तो ये होते रहता है ना तब तक के अपना बर्फ इसको काटो तो। हाँ नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। तो हम अभी बर्गर की तैयारी करते हैं। हम दोनों के लिए इधर हो रही है ये दोनों टिक्की हो रही है। अच्छा यहाँ पे पहले ही दिया रहता है क्या? मेरे को भी वैसे ही लगा लेकिन पता नहीं ऐसे काट लेते हैं। ओके इन दोनों के लिए तैयार हो गया ये। अब यहाँ सबसे पहले क्या जाएगा? मेयोनीज। ओके तो सबसे पहले प्रोसेस इज मेयोनीज। आपने कितने सारे मेयोनीज डाल दिए इसमें? कितने सारे नहीं वो फिर स्प्रेड करूँगी ना अभी। अच्छा ठीक है दोनों को थोड़ा सा सॉस डाल देंगे। मैं मिक्स डाल रही हूँ। केचप और चिली सॉस। तो हमारी टिक्की हो गई है। हाँ हमने मेयोनीज पे क्या ध्यान दिया तो यहाँ पे ये पक गई। तो ये टिक्की निकाल लेते हैं। तो अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा रेड चिली सॉस और ये थोड़ा सा केचप। इसको अच्छे से पूरा कर लेंगे फील। अब जल्दी जल्दी बनाओ ना मेरे को रहा नहीं जा रहा। अभी दिख ही रहा है वो शक्ल से। जल्दी बनाओ। अभी इस पे हम डालेंगे थोड़ा सा ऑनियन। ओके फिर इसके ऊपर जाएगी हमारी थोड़ा सा ऑयल निकाल लेते हैं भूषण के लिए। इसके ऊपर जाएगी टिक्की। ये चीज स्लाइस। ओके और ये टमाटर। ओके अभी उसको पैक कर देंगे। तो ये हो गए हमारे दोनों बर्गर तैयार। अब थोड़ा सा इसको माइक्रोवेव करते। हाँ तो ये हो गया यार हमसे भी रहा नहीं जा रहा। हो गया गर्म ही करना था ना। तो अभी टेस्टिंग की बारी। गर्म हो गया यार पूरा। तो भूषण ने बताया ऐसे खाया जाता है बर्गर। सुपर डिलीशियस। ऐसा बर्गर भूषण ने कभी नहीं खाया हुआ है। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अच्छा लग रहा है टेस्ट करके देखो। कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी लेकिन सच्ची में टेस्टी लग रहा है। अगर अपने को घर पे बनाना है सस्ते में तो सही है ये 20 रुपए में बर्गर बन जाएगा। टेस्टी है। खुद के हाथ का बनाया हुआ अलग ही लगता है। वाह 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 देखो ना कैसी खानी है।